उनकी रोकथाम के लिए सबसे बात करने चाहिए और जो मुतालिका अथॉरिटीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। रहा कादिर पटेल साहब को मैं समझता हूं कि वो जो भी अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं शहर में मजीद हंगामा करना चाहते हैं ये उनका एजेंडा हो सकता है, लेकिन एमकेएम का एजेंडा ये नहीं है। एमकेएम ये चाहती है कि शहर के अंदर न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग बाहमी इत्तेफाक के साथ अफहाम व तफहीम के साथ इत्तेहाद के साथ रहें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। कादिर पटेल साहब का अपना एजेंडा हो सकता है, वो अगर क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करना चाहते हैं तो करें, बेशक जरूर करें। राइट वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फैसल साहब, मैं इस डायनामिक की बात कर रहा था कि ये जो अंजुम साहब जिस डायनामिक में, ये डायनामिक आप कैसे संभालेंगे, फिर मैं इख्तियार बाग साहब तसली से जाऊंगा। ये जो डायनामिक है, सही डायनामिक है कि पीपल्स पार्टी कहती है हमारे कारकुन इत्तेहादी ने मार दिए, इत्तेहादी कहता है कि हमारे कारकुन मारना बंद करो, तुम जिम्मेदार हो। बेसिकली फैसल ये तो अनहोली अलायंस है बेसिकली एमके और पीपल्स पार्टी का, टेक्निकली स्पीकिंग अगर देखा जाए। अनहोली कहें चाहे होली, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम वही है कि देखें हुकूमत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी सरेंडर कर देती है, बैकफुट पर चल रही है। अभी आपको अभी ये कॉन्फ्रंटेशन लग रही है, कल सुबह तक खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, रहमान मलिक साहब आ जाएंगे, इस मसले को हल कर देंगे, वापस चले जाएंगे। इसी तरह बेग साहब ने कहा, काश बेग साहब जैसे कैबिनेट के अंदर इस कैलेबर के और बहुत सारे लोग होते तो गवर्नमेंट को वो सीधे अच्छे राय दे सकते होते कि कन्फेडरेशन है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की अदिया के साथ। बेग साहब आप अगर इस लफ्ज को ना यूज करें क्योंकि आपसे ये अवाम एक्सपेक्ट कन्फेडरेशन नहीं है, आपको सर इदारा कन्फेडरेशन नहीं है। तो अभी एक मिनट फैसल जी सर, अभी ये जब वाक्य हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पहला जो उनके इंस्ट्रक्शन थी वो ये है कि कोई बयान चाहे खोसा साहब हो या फैसल आबदी हो या फर्जिल मेमन साहब हो या कोई पीपुल्स पार्टी का अदलिया उसके एहतराम के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। ये है ऑफिशियल स्टैंड जो है हमारा अदालतों के बारे में एहतराम के बारे में। अब अगर कोई शख्स बात सुने, अगर कोई शख्स अपनी जाति जज्बाती